लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने बड़ा बयान दिया, बड़ा दावा भी किया है। अन्नामलाई ने दक्षिण में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साउथ के सिंघम के तौर पर जाने जाते हैं अन्नामलाई, काफी तेवर उनके तीखे होते हैं। इस बीच अन्नामलाई ने कांग्रेस और डीएमके पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को नॉर्थ साउथ इंडिया का नैरेटिव खत्म हो जाएगा। दक्षिण में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करने वाली है, कर्नाटक में तो बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरेगी। सनातन का अपमान जिस तरीके से किया गया वो एक बड़ा और अहम मुद्दा है। राहुल गांधी के मैजिक के सवाल पर उन्होंने कहा कि दक्षिण में राहुल गांधी का कोई मैजिक नहीं। चुनाव में सनातन ये मुद्दा कितना अहम है और क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट नैरेटिव है सर ये इलेक्शन में, स्पेशली तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमारे को पता है लास्ट 1 ईयर में सनातन धर्म का विरुद्ध स्टालिन जी का भाषण, उदयनिधि स्टालिन जी का भाषण, डिफरेंट डीएमके लीडर्स का भाषण, पीपल हैव सीन। सो दिस टाइम इन दी अलायंस का कंबाइंड एंटिटी वी हैव सीन। सो मेरा को बहुत कॉन्फिडेंस है दिस टाइम दिस इलेक्शन में डेवलपमेंट व्हाट वी हैव डन इन 10 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स हमारा प्लान क्या है। एट द सेम टाइम इन दी अलायंस का नेपोटिज्म, करप्शन, फैमिली पॉलिटिक्स, डीएमके का सनातन विरुद्ध खिलाफ व्हाट दे डू एंड एवरीथिंग विल बी अ फैक्टर इन दिस इलेक्शन। मैं ये भी जानना चाहूंगा अगर हम हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार क्या तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री हो पाएगी और पूरे दक्षिण भारत में मोदी मैजिक कितना है, कितना आपको दिखाई देगा ग्राउंड पे? सर वी हैव टू अंडरस्टैंड 2019 में बीजेपी वॉन मोर सीट्स देन कांग्रेस। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बीजेपी ऑलवेज वॉज विनिंग मोर सीट्स देन कांग्रेस इवन इन 2019। सो 2024 यू विल सी इट गोइंग अप। कर्नाटका में क्लीन स्वीप होगा, 28 सीट्स। गोवा में 2 को 2, पांडिचेरी में 1 सीट है। तेलंगाना में 17 में बीजेपी विल बी नंबर 1 पार्टी। आंध्रा में 6 सीट्स लोकसभा, बीजेपी इज फाइटिंग इन एन अलायंस, अदर पार्टीज आर ऑल्सो फाइटिंग। सो यू विल सी ऑल द सीट्स, ऑल द स्टेट्स वी विल डू वेल। तमिलनाडु में 39 सीट्स, बीजेपी एनडीए विल बी इन डबल डिजिट। केरला में 20 सीट्स, अगेन बीजेपी एनडीए विल डू वेरी वेल। सो दिस विल बी द लास्ट टाइम कांग्रेस इज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ एंड साउथ। सो नॉर्थ साउथ का नैरेटिव अभी खत्म होगा। राहुल गांधी का वहां पे भी कोई असर है, कोई मैजिक है वहां पे साउथ इंडिया में? आप देखो सर, आप देखो, आप वायनाड में पूरा राहुल गांधी जी प्रचारम किया, प्रचार समय में नहीं बोला मैं नॉर्थ में 1 सीट में कंटेस्ट कर रहा हूँ, नहीं बोला। सो हमारा बीजेपी का कैंडिडेट सुरेंद्रन जी था, सुरेंद्रन जी बहुत ओपन में बोला आफ्टर दिस इलेक्शन केरला वोटिंग के बाद राहुल गांधी जी विल गो फॉर अ सेकेंड सीट। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ अ मॉरल बैंकरप्सी कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी जी साली। वायनाड में बोला आप पूरा मेरा परिवार है, लास्ट टाइम अमेठी में बोला मेरा परिवार है, अभी रायबरेली में बोला रायबरेली मेरा परिवार है। सो पीपल डोंट वांट डुप्लीसिटी इन पॉलिटिक्स सर। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो वहां पर ओवैसी की हार क्या आपको इस बार निश्चित दिखाई दे गई है? माधवी लड़ता वहां पर किस तरीके से जो एक टक्कर देंगे? बहुत सीट है, बहुत टफ सीट है सर, 60% के ऊपर उधर एक डेमोग्राफी का पॉपुलेशन है, बहुत टफ सीट है। 1984 शुरू कर अभी तक ओवासी जी का फादर के पास, ओवासी जी का पास वो सीट है। लास्ट 40 ईयर्स द सीट इज वन फैमिली, फादर एंड सन। अभी और माधव जी हैज गिवन अ वेरी वेरी टफ फाइट, लेट अस वेट एंड सी सर।